पास कैसे पहुंचे, तो इसलिए ये बात हम आपको बता दिए। और हम जो है दुमका इरफान आर्ट दुमका झारखंड लेकर निकल रहा और एक भी गम यहाँ पर नहीं रह रहा है, देख पा रहे सारा जो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास है तीन क्वालिटी का जो है, ये वाला डिजाइन फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये साइड पैनल का है, प्रीमियम का है, जो की काफी फालतू कंपनी है, इसको जहाँ भी यूज किया जाता है। यहाँ पर जो हम डिजाइन बनाई आप देख पा रहे हैं ब्लैक रेपिंग में आपको कॉस्टिंग सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आई है KTM Duke BS4 200 और इसको अभी हमको करना है फुल मॉडिफाई। जो ये भाई साहब हमारे पास जो है कल ही पूछ के गए थे, आज से फिलहाल इसमें हम लगने वाले हैं। फिलहाल ये जो सारा स्टिकर आप देख पा रहे हैं इसको हम निकाल देंगे, ये भी हम निकाल देंगे, यहाँ पर मैट रहेगा, यहाँ पर भी मैट रहेगा, और मैट कलर करने के बाद यहाँ पर एक न्यून से हम डिजाइन देंगे जेड का, और यहाँ पर एक KTM देंगे जो कि काफी अच्छा लगेगा, जबरदस्त लगेगा। हेलो दोस्तों, प्रणाम सलाम सत श्री अकाल जोहार। तो दोस्तों इस बाइक के मॉडिफाई के साथ इस वीडियो में जो मटेरियल यूज करने वाले हैं इसके बारे में भी हम आपको कुछ डिटेल्स बताने वाले हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका स्टिकर है जो कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा निकल रहा है, लेकिन इसको हम बहुत आसानी से निकालने के लिए यहाँ पर होट गन का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा होट मारो, और होट मारने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा और ये बहुत ही इजीली ये निकल जाएगा। हालांकि BS4 का स्टिकर जो है बहुत आसानी से निकल जाता है होट गन करने पर, लेकिन BS6 का जो स्टिकर है अभी ड्यूक का जो भी हम निकाले हैं तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा गम अंदर रह जाता है और वो टैंक के ऊपर चिपक जाता है। जहाँ पर भी आप निकालते हैं तो वहाँ पर जो है गम अंदर रह जाता है, उसको फिर पेट्रोल या फिर थिनर से साफ करना पड़ता है। बहुत ही आसानी से ये स्टिकर निकल रहा है और एक भी गम यहाँ पर नहीं रह रहा है, देख पा रहे सारा जो गम है स्टिकर का ग्राफिक्स का वो ग्राफिक्स के साथ ही जा रहा है। ये भी लगता है बहुत इजीली निकल जाएगा। तो गाइस इधर का सारा ग्राफिक्स हमने निकाल दिया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गम रह गया है, तो इसको अभी हम थिनर से साफ कर देंगे। और अब रहा ये वाला, इसको भी हीट करके फिलहाल यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करेंगे। और ये रेडियम है, ये थोड़ा सा टफ है निकालना, लेकिन हम कोशिश करेंगे। सारा जगह का ये जो है स्टिकर हम यहाँ पे निकाल दिए, लेकिन ये सस्पेंशन है यहाँ पर रेडियम लगा दिया है किसी और ने, तो ये निकालना बहुत मुश्किल है। और ये भी, तो इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए, लेकिन यहाँ भाई साहब के पास समय ही नहीं है, तो ये हम नहीं निकालेंगे क्योंकि टाइम का किल्लत हो रहा है। इसकी वजह से इसी पर हम जो है रेपिंग कर देंगे, क्या करें, ये तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और जो भी हम मॉडिफाई आपको दिखाया अभी तक में सारा जो है कम टाइम में होता है, जो भी मेरे पास आते हैं उनके पास टाइम ही नहीं रहता, जिसकी वजह से हम अच्छा मॉडिफाई नहीं दिखा पाते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास है तीन क्वालिटी का जो है, मेड ब्लैक है, आप सबसे पहले इसको देख पा रही है LG का है और सबसे बढ़िया है, लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, इसकी वजह से इसको हम यूज नहीं करने वाले हैं। और वहाँ का जो उसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट है। और ये वाला फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये है सुपर कोल का, और ये सुपर कोल का सबसे अच्छा क्वालिटी का है और इसका लाइफ भी बहुत ज़्यादा है और इसका कलर भी लाइट में है, तो इसको हम यूज करेंगे। और ये वाला फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये जो कंपनी है ये ओलिव प्रीमियम का है, जो कि काफ़ी फालतू कंपनी है, इसको जहाँ भी यूज किया जाता है वो जगह बाद में छोड़ देता है, बाद में उस जगह पर छोड़ देता है, जो कि ये सस्ता में भी आता है लेकिन ये क्वालिटी बहुत लो है। हालांकि इसका भी जो कलर है वो लाइट कलर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये वाला विनाइल हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, और इसका फिनिशिंग भी आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमने फिनिशिंग दिया है, बिल्कुल एक जरा से भी कहीं भी एयर नहीं लग रहा है, बिल्कुल पेंट के माफिक, पेंट से भी ज़्यादा खूबसूरत। हालांकि आप पेंट कराएंगे तो इस कलर, इस तरह का कलर नहीं आ पाएगा, और आएगा भी तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पर रेपिंग में आपको कॉस्टिंग सस्ता पड़ता है, थोड़ा कम पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम डिज़ाइन देने वाले हैं इस बाइक में, जो भी डिज़ाइन देने वाले हैं वो बिल्कुल यूनिक होगा, और इसमें जो डिज़ाइन हम बनाते हैं फ्रेंड्स उसको बनाने के लिए हमको कम से कम 4 से 5 घंटा का वक्त लगता है एक डिज़ाइन बनाने में, यानी कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करते हैं तब जा कर के एक डिज़ाइन कम्प्लीट होता है। और अगर आप कहेंगे कि इंटरनेट से जो है गूगल से डिज़ाइन डाउनलोड करो और फिर वहाँ पर जो कॉपी पेस्ट करके उसको बना दो, तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। वो डिज़ाइन को अगर आप डाउनलोड करते हैं और उसको कॉपी पेस्ट करके उसको बनाते हैं, मतलब निकाल देते हैं कॉपी करके, तो वो फट जाएगा, बिल्कुल प्लेन नहीं होगा। आपको कई वीडियो में हमने दिखा चुके हैं कि कैसे फट जाता है, तो उसको बनाया जाता है, तो उसको हम बनाते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि इसका ट्यूटोरियल बनाओ, तो प्लीज़, तो ट्यूटोरियल भी हम इसका बनाएंगे, 1,00,000 सब्सक्राइबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस पर ट्यूटोरियल भी बना करके डालेंगे, वो भी आप देखेंगे। तो कहने का मतलब था कि यहाँ पर जो भी डिज़ाइन हम दिखा रहे हैं बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो ऐसे में आप लोगों को जो है बहुत सारे आप लोग सवाल पूछते हो कि दुकान का एड्रेस का क्या है, तो यहाँ पर अभी आपको एड्रेस भी बताएंगे और अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पर जो है वीडियो में प्लेस कर देंगे, तो वीडियो के एकदम लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा।
तो दोस्तों मेट ब्लैक का लगभग काम हो गया है और सस्पेंशन में आप देख पा रहे हैं, सस्पेंशन में इसी के ऊपर से जो लगा हुआ था इसी के ऊपर से हमने लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर निकालने का समय नहीं है। इसको निकालने के बाद इसका जो गम रहता है इसको निकालने में लगभग 3 से 4 घंटा का समय लग सकता है चारों सस्पेंशन में, इसीलिए हम इसी के ऊपर से लगवा दे रहे हैं। तो काफ़ी समय लग गया, हालांकि और भी ज़्यादा समय इसमें लगने वाला था, लेकिन भाई साहब के पास समय नहीं था इसलिए हमने बहुत जल्दी में काम किया। लेकिन आप लोगों को बता दें कि अगर मेरे पास आप लोग आए तो थोड़ा सा समय लेकर के आए, क्योंकि हम जो भी वर्क करते हैं थोड़ा टाइम लेकर करते हैं लेकिन अच्छा करते हैं। इसका जो डिज़ाइन है और यहाँ का जो डिज़ाइन है, दोनों साइड का जो डिज़ाइन है हम अपने सिस्टम पर बना रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो हालांकि डिज़ाइन इन्होंने जो दिखाया था वो ओल्ड था, मुझे समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर जो हम डिज़ाइन बनाई है आप देख पा रहे हैं ब्लैक हमने बेस रखा है और न्यून का जो यहाँ पर हमने डिज़ाइन ये हमने बनाया है और इसको और भी अच्छा से हम बनाएंगे। और इसको बनाने में फिलहाल लगभग 2 से 3 घंटा का समय लग जाता है, ये सब डिज़ाइन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो ये डिज़ाइन को हम वहाँ पर देंगे जो कि बिल्कुल यूनिक होगा और बहुत ही ज़बरदस्त होगा। चलिए फटाफट इसको हम निकाल करके आपको दिखाते। और ये वाला डिज़ाइन फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये साइड पैनल का है, जो पैनल है यहाँ पर साइड पैनल के लिए ये वाला डिज़ाइन बना रहे हैं, ये कट होगा। दोस्तों मेरे शॉप का एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर के शॉप का लोकेशन चेक कर सकते हैं और अगर एड्रेस चेक कर सकते हैं, और अगर पूरी डिटेल्स आपको चाहिए तो गूगल पे आप इरफान आर्ट लिख करके जो है दुमका, इरफान आर्ट दुमका झारखंड लिख करके आप सर्च कर सकते हैं। इरफान आर्ट के नाम से आपका जो है एक वहाँ पर पॉइंट मिलेगा, तो वहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं इरफान आर्ट का एड्रेस क्या है और सारा वहाँ पर भी मोबाइल नंबर भी आपको मिल सकता है। तो शॉप कितने बजे तक खुली रहती है सारा कुछ जानकारी आपको गूगल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं, लोकेशन देख करके भी आप मेरे पास आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स करते हैं कि आपका एड्रेस क्या है और हम आपके पास कैसे पहुँचे, तो इसलिए ये बात हम आपको बता दिए। और हमारा मोबाइल नंबर जो है वीडियो के बीच में हम प्लेस कर दिया है, तो वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम मोबाइल नंबर दिए। तो मोबाइल नंबर में सिर्फ आपको व्हाट्सअप हो सकता है, आपको व्हाट्सअप पे प्राइस बताया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम प्राइस नहीं बता सकते, इसलिए आप मुझे व्हाट्सअप करके प्राइस पूछ सकते हैं और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं जो आपको इच्छा हो, जो आपको अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं और अभी तक सभी का हमने रिप्लाई दिया है। तो इस बाइक के मॉडिफाई में जो हमने मटेरियल यूज़ किया है वो वीडियो के बीच में हमने बताया है कि कौन सा मटेरियल है और कौन सा मटेरियल आपके लिए बढ़िया होता है। इसमें हमने 3-4 तरह का मटेरियल का मिलान किया है और कौन सा अच्छा मैट ब्लैक है और कौन सा ख़राब है, वो सारा डिटेल्स हम जो है वीडियो में बताएं। तो वीडियो अगर आप लोग पूरा नहीं देखे तो वीडियो को जो है एक बार पूरा देख लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगा। अगर आप कहीं पर काम कराते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुकानदार कौन सा मटेरियल रखता है और कौन सा नहीं रखता है और कौन सा आपको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। हम सारा जो है जानकारी इस वीडियो में दिए है, कौन सा सस्ता है, कौन सा बढ़िया है, कौन सा ज़्यादा टिकाऊ रहता है, सारा जो है यहाँ पर 3-4 तरह का मटेरियल जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया है वीडियो के बीच में। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मटेरियल हम यूज़ किए हैं, इस बाइक का रिव्यू हम अब लगभग 6 से 7 महीने के बाद एक बार फिर से इस बाइक का रिव्यू भी आपको दिखा देंगे कि 6-7 महीने के बाद भी ये बाइक कैसा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इसको लगाने के बाद आपको जो है 10 से 15 दिन तक आप पानी इसमें ना दें और कम से कम जो है 1 दिन या 2 दिन जो है इसमें ज़्यादा रफ यूज इसको ना करें, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जब बैठ जाएगा तो ये जो पकड़ बना लेता है, उसके बाद फिर इसको आप पानी से भी धोइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ख्याल रहे कि वाटर सर्विसिंग प्रेशर वाला इसमें ना पड़े साइड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से साइड से वो जो है पानी पड़ेगा तो वहाँ से छोड़ देगा। जब भी बाइक आप अगर रेपिंग कराए तो यहाँ पर जो है आप खुद से उसको अपने हाथों से धोए हल्के हाथों से, तो वो जो है हमेशा के लिए रहता है, लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर इसको आपको निकालना हो तो 1 साल 2 साल के बीच
भीतर में ही अगर आप निकाल दिए तो बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। और हालांकि लंबे समय तक इसको रखने का भी नहीं है, 2 साल तक आप रख सकते हैं। ज़्यादा दिन धूप में रहता हो तो आप 1.5 साल में इसको निकाल दीजिए, तो बाद में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हालांकि ये मेड ब्लैक है तो ये आपका टैंक को ख़राब नहीं करेगा, बाकी दूसरा मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा पकड़ बना लेता है और वहाँ से वो निकलता नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स हम सारा जानकारी यहाँ पर आपको दे दिए है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।